यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों को सीधे राजधानी लखनऊ से जोड़ने जा रही है। धर्मस्थलों पर आवागमन सुगम बनाने के लिए यूपी रोडवेज के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि अब राजधानी लखनऊ से धार्मिक स्थलों तक पहुँचने में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी रोडवेज के MD मासूम अली सरवर के अनुसार प्रमुख धार्मिक स्थलों अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट समेत दूसरे प्रमुख स्थानों को सीधे राजधानी से जोड़ा जाएगा। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिमों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस और NDA दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा कि दोनों को मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों से परहेज है। यह बात मौलाना तौकीर ने अपने बयान में कही। मौलाना बोले कि देश के हालात अभी नाजुक हैं, सियासी फायदे के लिए देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। एक तरफ NDA जो सत्ता में है उसकी मुख्य पार्टी भाजपा की पसमंदा समाज के नाम पर मुसलमानों को अगड़े पिछड़े में बांटने की मुहिम जारी है। दूसरी तरफ 26 दलों के गठबंधन इंडिया को भी विश्वास है कि मुसलमान उन्हें वोट देने को मजबूर होगा। यदि बचे हुए दल भी तीसरा मोर्चा खड़ा कर लें तो उन्हें भी मुसलमानों के वोट चाहिए होंगे। बरेली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर देशभक्ति के नारे लगाते हुए हजारों युवाओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। मेयर ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मृति पटल पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पूरे देश व प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में हर गांव नगर की मिट्टी कलश में एकत्रित करके लखनऊ दिल्ली ले जाई जाएगी। इससे पहले जिले में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। बरेली में पिछले दिनों एक के बाद एक तीन महिलाओं की हत्या का मामला भी सुलझा नहीं था कि चौथी महिला का शव जंगल में निर्वस्त्र मिलने से सनसनी फैल गई। थाना साई क्षेत्र में 2 महीने के अंदर 3 महिलाओं की हत्या पहले से इलाके में दहशत का कारण बनी थी। अब थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में भी वैसी वारदात हुई है। पनवड़िया गाँव के पास जंगल में एक महिला का निर्वस्त्र शव पड़ा मिला। उसके साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। सूचना मिलने पर SSP घुले सुशील चंद्र SP क्राइम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत जुटाने में जुटी रहीं। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर फिर बवाल होते होते बचा। थाना सीबीगंज क्षेत्र के तिलियापुर गांव में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। गांव से कांवड़ियों का जत्था गंगाजल लेने कछला घाट जा रहा था। तिलियापुर में DJ बजाने के विरोध में दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आने लगे। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर आपस में बातचीत कराई। घंटों चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई। बताया गया जिस स्थान पर DJ बजाने का विरोध हो रहा था अब उस स्थान पर DJ नहीं बजाया जाएगा। बरेली में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग पहुंच गए तो आरोपी वहां से भाग निकला। घटना थाना इज्जतनगर क्षेत्र की बड़ी विहार कॉलोनी की है। यहां के रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाला सलीम नाम का शख्स अचानक उसके घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध पर उसके साथ मारपीट भी की गई। शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बरेली में सोने की ईंट बेचने का झांसा देकर ठगों ने एक युवक से मोटी वसूली कर ली। हाफिजगंज क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जालसाजों की तलाश में जुट गई है। पीलीभीत जिले के कैमोर निवासी रवि और मुन्नालाल ने पुलिस को बताया कि बहेड़ी क्षेत्र में रहने वाले गंगाराम ने उन्हें सोने की ईंट बेचने का झांसा दिया था और 2 लाख रुपए लेकर उन्हें हाफिजगंज बुलाया। गंगाराम ने रुपए लेने के बाद दोनों से गांव में रुकने को कहा और काफी समय बीतने के बाद वह फिर वापस नहीं लौटा तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने ठगी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत के जिला आपूर्ति अधिकारी की बोलेरो जीप ने बरेली में 3 गांव वालों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हुता क्षेत्र के महेशपुर निवासी गंगाराम अपने नाती के इलाज के लिए सैलेज के साथ नवाबगंज गए थे। लौटते में हरदुआ चौराहे पर उनको जीप ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना में गंगाराम की जान चली गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पॉकेटमार गैंग ने बरेली में खरीदारी को आए किराना व्यापारी की जेब से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। व्यापारी ने मामले की रिपोर्ट बारादरी थाने में दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार युवक ऑटो में बैठकर घटना को अंजाम देते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। पुलिस पॉकेट मारों की तलाश में जुटी है। देवरनिया के रहने वाले रईसुद्दीन किराना व्यापारी हैं, जो वारदात का शिकार हुए। वह ऑटो से किराने का सामान लेने आए थे। बरेली में एक विवाहिता का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना देवरनिया क्षेत्र के उदरा गांव निवासी ज्योति की शादी संजीव से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने ससुरालियों पर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। कल रात ज्योति के मायके वालों को उसकी खुदकुशी की सूचना दी गई। घर वालों ने मामला हत्या का बताते हुए पुलिस से शिकायत की है।